राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के बीच ही 3P फॉर्मूला तैयार किया है। इस फॉर्मूले का ट्रायल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में होगा। ये ट्रायल सफल हुआ तो 2024 में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की आगामी चुनावी रणनीति की झलक भी देखने को मिल रही है। उनकी यात्रा के बीच ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया है। गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस को क्या करना है, इस बाबत राहुल ने पहले ही खाका खींच लिया है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के बीच ही 3P फॉर्मूला तैयार किया है। इस फॉर्मूले का ट्रायल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में होगा। राहुल के 3P का मतलब है पुरानी पेंशन बहाली, संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी और उन्हें समय पर पदोन्नति मिलेगी। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकारों में कर्मचारी संगठनों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लंबे समय से आवाज उठाई जा रही है। इस बाबत धरना प्रदर्शन भी हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी है। अब जिन राज्यों में चुनाव प्रस्तावित है वहां भी राहुल गांधी द्वारा ये वादा किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई कर्मचारी संगठन इस मसले पर राहुल के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने 3P का फार्मूला तैयार कर लिया है। पुरानी पेंशन बहाली के अलावा उन्होंने पक्की नौकरी और समय पर पदोन्नति देने का भरोसा दिलवाया है। रविवार को गुजरात को लेकर उन्होंने कहा कि अगर वहां कांग्रेस पार्टी को मौका मिलता है तो ये तीनों मांगे अविलंब लागू कर दी जाएंगी। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की बात कही गई है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये तीनों ही मुद्दे बेहद गर्म हैं। राज्य की भाजपा इकाई और खुद सीएम जयराम ठाकुर पुरानी पेंशन के मुद्दे को अहम बता चुके हैं। उन्होंने एक अनौपचारिक बातचीत में ये स्वीकार किया था कि चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा है। कर्मियों ने इसके लिए प्रदर्शन भी किया है। जयराम ठाकुर का कहना है कि ये मुद्दा केंद्र के पाले में है। अगर वहां से हरी झंडी मिलती है तो प्रदेश में बिना कोई देरी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। दूसरी ओर केंद्र सरकार संसद के प्रश्नकाल के दौरान कह चुकी है कि पुरानी पेंशन बहाली जैसा कोई एजेंट सरकार की टेबल पर नहीं है। सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही। बता दें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में राहुल के 3P का ट्रायल है। इन दोनों राज्यों में सरकारी एवं संविदा कर्मियों की भारी तादाद है। यहां पर लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास कर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया तो इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसका एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए रक्षा असैनिक कर्मचारी संगठन अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव और GCM स्टाफ साइट के सदस्य श्री कुमार कहते हैं कि पुरानी पेंशन तो सरकार को लागू करनी होगी। 2024 तक ये मुद्दा केंद्र ही नहीं बल्कि राज्यों में भी प्रभावी तरीके से फैल चुका होगा। अगर पुरानी पेंशन दोबारा से लागू नहीं की गई तो इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। ये कर्मियों का हक है। उन्होंने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला भी दिया है। बता दें कि देश बचाओ अभियान के अंतर्गत गठित जन आयोग द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति पर बीते दिनों पेश हुई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पब्लिक सेक्टर केवल 4% रोजगार देता है। देश में 15 से 29 साल की आयु वाले वर्ग को बेरोजगारी घेर चुकी है। लंबे समय तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती और युवा ओवरएज हो जाते हैं। शिक्षित बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। युवा सरकारी क्षेत्र से नौकरी की अधिक उम्मीद लगाए बैठा है। अगर कांग्रेस पार्टी युवा और कर्मियों के मुद्दे पर कोई उदाहरण सेट करती है तो उसे चुनावी फायदा मिल सकता है। हालांकि यहां पर केवल वादा या भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, धरातल पर भी कुछ करके दिखाना ही होगा। दोनों चुनावी राज्यों में राहुल गांधी के वादे का ट्रायल होना है। राहुल उसमें पास होते हैं तो निश्चित तौर पर वे 2024 के लोकसभा चुनाव में युवाओं और कर्मियों का समर्थन मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।